हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कोरोना महामारी से हालत चिंताजनक जरूर है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। बचाव के साथ एक दूसरे का सहयोग कर महामारी से लड़ा जा सकता है। उनका सरकार से आग्रह है कि युद्ध स्तर पर व्यवस्थाएं सुधारी जाएं, हर कोरोना मरीज को बिना देरी बेहतर से बेहतर चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध करवाएं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण से ठीक होकर घर लौटने के बाद यह बात कही। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि संक्रमितों को दवाई, ऑक्सीजन और अस्पताल उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। समय पर इलाज न मिलने, ऑक्सीजन दवाइयों के अभाव में एक भी मरीज की जान जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए सरकार को अपनी व्यवस्थाओं को युद्ध स्तर पर चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। अस्पताल के बेड, ऑक्सीजन, जरूरी दवाइयों की किल्लत झेल रहे आम लोगों की परेशानियों पर उन्होंने गहरा असंतोष जताया। हुड्डा ने कहा कि हालात इतने चिंताजनक है कि गंभीर हालत में मरीज को अगर ऑक्सीजन, रेमडेसिविर चाहिए तो कई गुना अधिक कीमत चुकाने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसके चलते कई जगह से गंभीर मरीजों की जान जोखिम में पड़ने की बात भी सामने आई है। सरकार इस मुनाफाखोरी और कालाबाजारी पर तुरंत रोक लगाए। उन्होंने कहा कि कई अस्पतालों में मरीजों के परिजनों को खुद ऑक्सीजन का इंतजाम करने के लिए कहा जा रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।